हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। तो अगर आपका भी अकाउंट जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक स्क्रीन शॉट है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से हैं, पर उन्होंने ना मुझे एक ये स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे करो, और अभी उनकी जो प्रॉब्लम है वो करंट में फिक्स हो चुकी है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप भी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आपको चले जाना है आपको, तो इसका आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ना आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाउ टू रिपोर्ट, यहाँ पे कंटिन्यू टू रिपोर्ट प्रॉब्लम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएटिंग रिपोर्ट हो रही है, तो आपको क्या करना होगा, इंक्लूड ए रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको नीचे जाना होगा, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको प्रोफाइल, तो आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है स्क्रीनशॉट पहले से ऐड हो जाएगा एक, तो आपको क्या करना है, ये जो स्क्रीनशॉट है ये तो किसी काम का नहीं है, तो आपको इसे यहाँ से कट कर देना होगा, और ऐड इमेज पे क्लिक करना होगा, और आपको क्या करना होगा, उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर देना होगा। तो आपको कुछ इस तरह से ऐड कर देना है, तो अभी मैं इसे सेंड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है इस अकाउंट का नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट को ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्राइब द इशू कर देना है कि आपको क्या इशू आ रहा है। तो आपको ना यहाँ पे ना कुछ इस तरह का मैसेज नहीं करना है, यहाँ पे प्लीज़ सर हेल्प मी या माय अकाउंट, यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं करना है, यहाँ पे हेल्प मी और यहाँ पे इमोजीज नहीं सेंड करनी है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे डिस्क्राइब करना है आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, क्यों आ रही है। यहाँ पे आपको सही से आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे आपको लिख देना है माई अकाउंट, यहाँ पे कुछ भी आप लिख देते हैं, यहाँ पे इमोजी लिख देते, तो इससे आपका जो अकाउंट है ओपन नहीं होने वाला है यहाँ पे, और ऐसे मैसेज को जो है फेसबुक टीम वाले इग्नोर करते हैं। तो आपको यहाँ पे सही से एक्सप्लेन करना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। तो यहाँ पे ना मैंने पहले ही लिख के रखा है, तो यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समझा देना है। तो यहाँ पे ना मैंने ऐड कर दिया है, तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमने अपना नाम लिखा है, तो इसकी जगह पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, तो ये आपको कर देना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, अगर आप को प्रॉब्लम कब से आ रही है, मतलब आप जो भी अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं, अपना जो कुछ भी एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आपके केस में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखूँ, तो आपको क्या करना है, मैंने जो लिखा है वही आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ना मैंने गलती से सेंड कर दिया है, क्योंकि मुझे ये सेंड नहीं करना था, तो ये जो है स्क्रीनशॉट इस अकाउंट का नहीं था, पर चलिए इससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होने वाली है, तो मेरे अकाउंट पे तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे सेंड कर देना है, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है 24 या 48 आवर्स बाद प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी, तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।